हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथर्व्स मामा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स आप विदाउट टेस्ट के भी जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट है, आपका कंसेप्शन हुआ है या नहीं। तो इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि ऐसे जो बहुत से सिम्टम्स ऐसे मदर्स में भी दिखाई देते हैं जो कंसेप्शन के लिए, जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होते रहती हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स भी मदर्स को नज़र आते हैं। अगर वो सब भी नोटिस करती हैं अपने बॉडी पे, तो वो आपका कंसेप्शन हो गया है और आप 100% प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के लक्षण हर महिला में अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रखा है आपने, तो आप कुछ सिम्टम्स को देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, वो भी विदाउट टेस्ट के। क्योंकि जो जिनकी पीरियड जो होती है अगर रेगुलर बेसिस रहती है, तो उन्हें मिस पीरियड होने के 1 से 2 डेज बाद भी वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकती हैं। बट विथआउट प्रेगनेंसी टेस्ट के आप 1 वीक थोड़ा वेट करती हैं रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उससे पहले आप कुछ सिम्टम्स से भी अपने बॉडी में जो नज़र आते हैं उनसे भी जान सकती हैं कि आपका कंसेप्शन हुआ है या नहीं। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट साइन है हमारा मिस्ड पीरियड्स, मीन्स पीरियड्स का रुकना। अगर पीरियड्स रुक जा रही है, आपकी जो मंथली साइकिल है अगर उस मिस हो गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। बट अगर आपके केस में आप लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस रह रही हैं, या आपको कुछ क्रोनिक डिजीज है, मीन्स लंबे समय से लेकर PCOS ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, या मिस पीरियड का एक रीज़न होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी लेना, तो ये कारण भी हो सकते हैं मिस्ड पीरियड्स के। बट अगर आपकी जो पीरियड्स की जो मंथली साइकिल है वो अगर रेगुलर है, जैसे 28 डेज, 30 डेज की या 32 डेज की ऐसी है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। 7 to 10 डेज के अंदर आपके अगर पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये है कि आपका कंसेप्शन कन्फर्म है, आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। सेकेंड सिम्टम्स है हमारा नौसिया, वोमिटिंग और नितली या उल्टी कह सकते हैं। ये आपके इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद आपको बॉडी में चेंजेस नज़र आती हैं, आपको मितली जैसी लगती है, खट्टा खाने का मन करता है, सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह सुबह वोमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। तो ऐसे सारे लक्षण आपको वो कंसेप्शन हो जाने के बाद पता चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको मितली और उल्टी जैसी फीलिंग आती है, खाने में स्वाद नहीं आता है, और ये एक हमारे कंसेप्शन का पॉजिटिव साइन भी होता है। थर्ड है हमारा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कब देखने को मिलती है, और ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है इम्प्लांटेशन का? जब हमारा जो मंथली साइकिल का लास्ट डे ऑफ हमारे पीरियड्स का होता है, 7 डेज जो होता है, उसके 1 से 2 वीक्स के अंदर अगर आपको स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है और थोड़ा एब्डोमिनल क्रैम्प भी होता है, तो आप ये कंफर्म कर सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है रुक चुकी है। जो हमारा एम्ब्रियो है वो यूटेरस में जाके चिपक जाता है, वो इम्प्लांट हो जाता है, इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, और ये जो हमारे कंसेप्शन का एक पॉजिटिव साइन होता है। फोर्थ है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मीन्स बार बार पेशाब का आना। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है और जो वाटर का रिटेंशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण सामान्य से अधिक हमें यूरिनेशन की फीलिंग्स होती है, यूरिनेशन बार बार आता है, और इसके साथ ही यूटेरस का जो प्रेशर भी होता है वो ब्लैडर पर आता है, जिससे बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिफ्थ सिम्टम से हमारा कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग की प्रॉब्लम, मीन्स कब्ज और सूजन की प्रॉब्लम आती है। तो ये क्यों होता है? प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन का हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर आपको जैसे पेट का फूलना और उसके साथ कब्ज, गैस, ऐसी सारी सिम्टम्स नज़र आती हैं। और ऑब्वियसली हमें ये पता है कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो हमें खाने का भी मन नहीं करता है, और ये एक जो है हमारे कॉन्सेप्शन का होता है, ये भी एक मेन एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। सिक्स्थ सिम्टम से हमारा आपको थकान और नींद ना आना, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में नज़र आते हैं आफ्टर कंसेप्शन, उनमें जो एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हमारा होता है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको नौजिया और फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी लगी रहती है यूरिनेशन की। वैसे ही उसके साथ आपको टायर्डनेस बहुत लगता है, बहुत थकान सी लगती है, और उसके साथ ही आपको
नींद अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली नौजिया और वोमिटिंग होगी तो नींद के लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो जिस वजह से आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती और आपको थकान का महसूस भी करना पड़ता है। मैंने आपके साथ जो टिप्स शेयर की हैं उनसे आप जान सकती हैं, उन लक्षणों से आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। बट अगर आपको लॉन्ग टाइम से कुछ बॉडी डिजीज हैं, कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स की इशूज़ हैं, तो आप उस रिलेटेड अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा सकती हैं। ये लक्षण उन महिलाओं में नज़र आएंगे जिनकी पीरियड्स जो रहती है वो रेगुलर बेसिस नियमित तौर पर रहती हैं। अगर आपका 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में पीरियड्स आ रहा है या PCOS PCOD जैसी प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, तो उनके लिए ये है कि इनमें से एक दो सिम्टम्स नज़र आएँ, बट ये ज़रूरी नहीं कि उससे आपका जो कंसेप्शन है वो कन्फर्म ही हो। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।